नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा जियो फाइनेंस के स्टॉक के बारे में एक बार फिर से। अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की बात की जाए तो आज इसमें एक बड़ा सौदा होते हुए दिख रहा है आपको। शुरुआती कारोबार में ही बाजार नीचे से दोबारा ऊपर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अमेरिका के बाजार की गिरावट हम पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं एंड फर्स्ट हाफ में यूएस मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो वॉलेटाइल रहा था, बार बार रिकवर हो रहा था बट एट द एंड नीचे गया। तो देखने वाली बात यह है कि हम लोग एट द एंड कैसे जाते हैं। आज हमारे लिए सेकेंड हाफ सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो एक निवेशक है उसको ये डिसाइड करना है कि मेरे को लॉन्ग साइड पे जाना है वीकेंड से पहले या मेरे को अपना पैसा थोड़ा बहुत सेफ्टी साइड पे बुक करके पैसा बचाना है। तो ये आज टक्कर दबा के चल रही है क्योंकि ये आपके लिए वीकली क्लोजिंग है तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखने वाली बात है कि कौन जीतता है यहाँ पे, बायर या सेलर। एक तरफ वो लोग हैं जो डर गए हैं ये दो चार दिन की गिरावट से कि यार ठीक है प्रॉफिट बुकिंग आ रही है थोड़ा पैसा निकाल लो, वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं ये गिरावट एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मंडे से बाजार ऊपर जाएगा, वो खरीद रहे हैं। तो आज बहुत ही कॉम्पिटिशन टफ है, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, डिसाइड करेंगे 3 बजे के करीब। अगर आप हमारे व्यूअर हो, हमारा वेट कर रहे हो कि भाई आप बताओ, हम तो आपके साथ ही रहते हैं। तो देखिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि डाटा अभी तक नेगेटिव ही है, कुछ खास नहीं है। हमें अगर खरीदारी करनी है, हमें सिलेक्टिव काउंटर्स लेने हैं, 3 बजे के करीब हम ले लेंगे अपना। 3 बजे तक हमारे लिए बाजार का मूड माहौल सेट हो जाएगा। अभी लेके अच्छी तेजी दिख रही है 25-30 पॉइंट, ऐसा तो दिख नहीं रहा 100-200 पॉइंट ऊपर हो जाए बाजार अचानक से, क्योंकि इसके लिए कोई हमारे पास ट्रिगर नहीं है अभी। अमेरिका के बाजार कल भी नेगेटिव ही बंद हुए हैं। डाउ फ्यूचर और नेस्डेक फ्यूचर्स अगर वापस से तंगड़ा रिकवरी दिखाएं तो फिर डेफिनेटली एक तेजी बन सकती है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी तेजी आज के सेशन में बनेगी। वॉलेटाइल मार्केट है, मौके आपको मिलते रहेंगे, अगर आपको लेना है तो चुनिंदा शेयर्स खरीदें, अदरवाइज आप बैठे अपने पैसे को साथ लेकर पास। अगर जियो फाइनेंस की बात करूं तो 228 रुपीज के भाव पर यह स्टॉक आ गया है। आज का लो 226 का है और हाई 232 का है। 11:07 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं। स्टॉक की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस कंपनी के वॉल्यूम्स। अगर आप वॉल्यूम देखें तो 2.85 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। जी हाँ, लगभग 3 करोड़ शेयर ट्रेड हो चुके हैं, शुरुआत के 2 घंटे नहीं हुए अभी बाजार खुले हुए। एवरेज वॉल्यूम इस कंपनी का जो है वो लगभग 5 दिन का एवरेज 2.35 करोड़ शेयर्स का है और कल लगभग 3.3 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। दैट मींस जो एवरेज वॉल्यूम पूरे दिन में ट्रेड होते हैं उससे ज्यादा ट्रेड हो गए हैं। और ये सब पता है क्यों हुआ है? क्योंकि आज शुरुआती कारोबार में लगभग 1,20,00,000 शेयर्स का सौदा सुबह सुबह होते हुए दिखाया आपको। तो ये इक्विटी एक्सचेंज हुई है, इतना बड़ा सौदा हुआ है। अब देखने वाली बात ये है कि ये कौन बायर है और कौन सेलर है, ये चीज और मेरे को वेट करना है, इसका पोस्ट मार्केट ही डाटा आएगा। लेकिन इससे पहले अगस्त सीरीज में ये स्टॉक लिस्ट हुआ था मार्केट में 21 अगस्त को। 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में इस स्टॉक में 3 बड़े म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी और तीनों ही म्यूचुअल फंड्स वो थे जिनके पास ऑलरेडी इसके शेयर्स थे और उन्होंने बाजार में उतरने के बाद एडिशनल खरीदारी करी है। आपको पता है क्योंकि ये आईपीओ के द्वारा नहीं, ये डीमर्जर के द्वारा बाजार में आए, तो जिसके पास भी रिलायंस के थे उसके पास ये शेयर्स आ गए। तो ये तीनों ही म्यूचुअल फंड रिलायंस ओन करते होंगे इसीलिए ये शेयर भी मिला। अगर म्यूचुअल फंड्स के नाम की बात की जाए तो एक आपका क्वेंट म्यूचुअल फंड था, एक आपका निपोन इंडिया एसेट मैनेजमेंट है एंड एक आपका मोतीलाल ओसवाल है। तीनों ही म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो सबसे कम है इंडिया निपोन इंडिया एसेट मैनेजमेंट के पास, जहां पे उन्होंने उनके पास ऑलरेडी लगभग 3.3 करोड़ शेयर्स थे, 1.7 करोड़ शेयर्स एडिशनल ऐड करे जिसके चलते उनकी टोटल बाइंग होती है 770 करोड़ के समथिंग की। और मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो 5 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी थे, 5.69 करोड़ शेयर्स और खरीदे जिसके बाद उनकी टोटल कॉस्टिंग आती है अराउंड 1400 करोड़ की। एंड क्वेंट म्यूचुअल फंड के पास सबसे ज्यादा है, लगभग 1600 करोड़ की बाइंग है और 6 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी थे, 6.7 करोड़ शेयर्स एडिशनल खरीदे और इसी के साथ उनकी जो बाइंग हो जाती है जियो में वो लगभग 1600 करोड़ की होती है। एक और इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि कंपनी की तरफ से अगर आप डाटा देखें तो करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न में 41-42% का स्टेक म्यूचुअल फंड कैटेगरी के हाथ में है। तो ज्यादातर तो म्यूचुअल फंड लेके बैठे हैं क्योंकि रिलायंस में उनका निवेश होगा, यही एक बड़ा कारण हो सकता है। अब इस कंपनी में क्या होगा, क्या करें एज अ रिटेल इन्वेस्टर, क्या ना करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरा व्यू क्लियर है, मैं इसको खरीदने के व्यू से देखता हूँ, मैं बाय ऑन डिप्स देखता हूँ। अभी तक मेरा खरीदारी का रेंज तो आई नहीं है, मेरी 225 से 220 की शुरुआत है खरीदारी की, 210 पे और एवरेज करना है, 200 पे और एवरेज करना है, 180 तक तो मैं खरीदने के मूड में ही रहूंगा, मेरा कोई स्टॉप लॉस नहीं है। और मेरे को लगता है ये 300, 350 और 400 रुपये का कैंडिडेट है आने वाले 1 से 1.5 साल में। ऐसा नहीं है कि केवल हवा में बातें हैं, बातों के पीछे का रीजन ये है कि एनबीएफसी कारोबार है,
लीड करेगा ये कहीं ना कहीं, मोटा भाई की कंपनी है, छोटे वाले पे प्रे करेगी नहीं। अभी बेस बहुत कमजोर है, 200-300 करोड़ की सेल है, इसको बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं अंबानी जी। एंड इम्पॉर्टेंट ये कि उन्होंने पहला जॉइंट वेंचर करा, वही अब बताता है कि कितने बड़े लेवल पे खेलेंगे। उन्होंने पहला जॉइंट वेंचर एसेट मैनेजमेंट के कारोबार के लिए करा, जहां पे उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर शुरू कराया। तो बड़े लेवल पे प्ले होगा, तो यहाँ पे मुझे लगता है निवेशकों को बायो डिप्स करना चाहिए। 228 चल रहा है, 225-20 के बीच में पहला इंस्टॉलमेंट, 210-8 के बीच में दूसरा इंस्टॉलमेंट, 200 के करीब तीसरा इंस्टॉलमेंट, और गिरता है तो और डालिए। इस तरीके से अपने पैसों को टुकड़ों में लगाइए और निवेशित रहिए इस शेयर में। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।